हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नागांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नागांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शाम को 8 बजे से शुरू कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होने वाला वीडियो ब्लॉग, तो फुल वॉच करके एंड तक देख हम लोग। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का क्या मौसम हुआ है, बादल घेरा हुआ है। हम लोग अभी क्या काम कर रहे हैं, ये टीन निकाल कर ना दरवाज़ा लगाना है इसमें, और बाकी जो चार राधा इस पर जोड़ना है ना, उसके लिए मैं चढ़ रहा हूँ सीमेंट लाने ना जी। हाँ, विकास देख सकते हैं कैसे, बाप रे, मम्मी का हाथ बटा रहा है। इधर का सारा बांस खोल दिए, इधर का देख सकते हैं इस तरीके का हुआ है। इधर का बांस की ज़रूरत पड़ेगा इसमें, और गेट कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, वो दिखेगा आपको, बने रहिए। और एक बैग सीमेंट का ज़रूरत नहीं था, लेकिन नागांती जी कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा प्लास्टर करके वहाँ पे चार्ज करने वाला बोर्ड भी लगेगा जी ना, तो उस तरीके से उसको कर दीजिए। इसके ऊपर देखते हैं क्या रखते हैं, टीनी रखेंगे कि ये वाला मेस्टर लाएंगे, वो सब दिखेगा आपको। पहले पता करता हूँ हमारे मार्केट में मिल रहा है कि। चलिए मैं चल रहा हूँ, पहले सीमेंट लेके आता हूँ, उसके बाद जो भी काम होगा, सीमेंट के बगैर तो होगा नहीं। ये काटा लेते जाऊँ जी, खुला मिलेगा तो लेते आऊँगा। खुला 100 रुपया के जी मिलता है, तब तो घाटा है। 50 किलो 50 दहा का 500 हो गया ना। चलिए मैं एक बैग ले आता हूँ कुछ ना कुछ काम, लेकिन एक बैग का बालू भी नहीं है हमारे पास। हाँ, सीमेंट बच जाएगा तो उसका क्या करिएगा। अच्छा है, एक काम है और। चलिए ठीक है, मैं एक बैग ले आता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अलबीरा के नीचे रखिएगा, उसमें कम से कम 10 दिन में रहता है तो ख़राब नहीं होता है ना। यहाँ पे छोड़ दिए थे ना, हवा हवा लगा है, हल्का हल्का बारिश का छींटा तो गिट्टी आ गया था। चलिए मैं एक बैग लेकर आता हूँ, उसमें फ़ायदा है, 300 रुपये का मिलेगा, आ नहीं तो 10 रुपये किलो के हिसाब से लाएँगे तो 20 किलो ले आएँगे तो 200 ही हो गया। ये वाला हम लोग ले आए थे खंभा के लिए, लेकिन सारा निकला दोस्तों, टू इसमें हलाए भी थे, आई यहाँ से देख सकते कैसे टूट गए, तो ये सक्सेस नहीं है। अब इसके जैसे ना यहाँ पे पाया ही जोड़ेंगे, क्योंकि इतना जब बना दिए तो मजबूत। हाँ, तो नागांती जी से मैं पूछ रहा हूँ, दोनों आदमी सलाह मशवरा करके ना कोई भी काम आगे बढ़ाते, फिर तो छोटा पड़ जाएगा, हाइट छोटा पड़ जाएगा। ये है 7.5 फुट और ये 5 फुट हो रहा है। तो चलिए अभी पाया जोड़ते हैं, देखते हैं कब तक जुड़ा जाता है। बालू में तो हो जाएगा ना, अब पाया भी पहली बार जोड़ रहा हूँ तो एकदम सीधा ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना गांधी जी? आपकी क्या सलाह है? खंभा, क्योंकि इस इतना मोटा खंभा है ना, तो इसको गहराई तक हलाना भी है और छोटा पड़ जा रहा है, क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट कुछ ज़्यादा है, नहीं तो खंभा से तो जल्दी ही हो जाता। बांस का खंभा हला दीजिए। पाया में ईंट लगेगा, दिन भर लग जाएगा। नहीं गिरेगा तो नहीं, नीचे से ढाल कर जाएगा तो सही रहेगा। स्टार्टर रखने वाला कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे मैं सोचा था दोस्तों, यहाँ पे है ऐसे जोड़ के इसके ऊपर ढलाई कर देता, जो इसमें से रोड़ी निकल रहा उतना ही से हो जाएगा, इस तरीके से सोचा था। अब बारिश का पानी भी नहीं आएगा, लेकिन काम फंस रहा है। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं, स्टैंड खड़ा कर दिए, जिस तरीके से काम करेंगे आप लोग दिखाएंगे दोनों आदमी। अब बच्चे चले गए हैं पढ़ने, तो सोच रहे हैं फिर सीमेंट तो लिया दिए थे, अभी मसाला नहीं बनाए हैं। मौसम देख सकते हैं, कभी बारिश आ सकता है। हाँ, दो तासला नापते हैं।
नाप दिए, अभी अच्छा हुआ कि मसाला बनाए नहीं थे, नहीं तो देख सकते अभी बारिश आना शुरू हो गया। चलिए अभी बारिश खुलने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी मसाला का ही सबसे पहले काम है। इतना मसाला बच गया हमारा, क्या बन गया इधर देख सकते हैं। अब इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखेंगे। अब फिलहाल ये हाइट के हिसाब से नाप के आए थे, तो अब इस पर चढ़ेगा ना ऑटो, तो उसमें कम से कम एक बीता गेप रहेगा, तो इस हिसाब से बनाए हैं। एक बीता ज़्यादा नहीं है ना जी। हाँ तो चलिए अभी इस पर गेट लगाने का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि बीच में पेड़ है और 4 इंच का दीवाल है, इसमें लोहा का ना गेट लग सकता। कुछ अलग तरीके का जो बताए थे हम लोग, उस तरीके का गेट लगाने का कोशिश करेंगे। आ ये जो मसाला है ना, तो नकांती जी कह रही हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, जब आपका ई रिक्शा का उद्घाटन होगा तो इसको टिपकारी कर दीजिए और मैं वाइट सीमेंट से कलर कर दूँगी ना जी। और यहाँ पर ना वो जो गत्ता सा लगा है उधर वाला लगा देंगे कि थोड़ा अच्छा दिखे उस दिन। बहुत सपना सजाए हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, मिडिल क्लास के आदमी के लिए इतना सारा ई रिक्शा के रूप में, रोजी रोटी के रूप में हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और ख़ास करके नागांती जी रोज कहती हैं, क्या कहती हैं जी, आप ई रिक्शा चलाना क्या सीखेंगी, क्या तो आप कहाँ चलेंगी, सवारी भर के ले जाएंगे मीरगंज से, खाली लेडीज लेडीज़। हाँ उसमें शर्म क्या है, कोई भी दो पैसा कमाने के लिए कोई शर्म नहीं है, मुझे पता है। ठीक है आप सीख लीजिएगा, आपको जैसे ई रिक्शा जिस दिन आता है, अभी तो डेट नहीं बताएंगे दोस्तों ना, सरप्राइज है। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, तो ई रिक्शा लेडीज इधर तो चलाती हैं, कहाँ देखी हैं आप, मैं तो कभी देखा ही नहीं। वो कहीं वीडियो बनाने के लिए चलाती होंगी, रोड पे आप लेके निकलिएगा। इतना फ्लाइट उड़ा सकता है इसे, तो 18 साल से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपसे कौन जीतेगा, सही कहता था, भारतीय नारी सब पे भारी। ठीक है आप सीखिएगा जी, और अच्छा लगेगा, लेकिन मैं भी फिर साथ में रहूँगा ना। हाँ तो अभी फिलहाल मेरे को चलाने दीजिए, क्या हाँ रहने दीजिए, खलासी ई रिक्शा का भी खलासी। एक काम करिए, थोड़ा मेरा लड़के बड़े बड़े हो जा रहे ना, जैसे अपने हाथों से अपना खुद तैयार होकर अपना, जैसे कभी लेट सेट हो गया समझ रही हैं, तो अपना खाना बना लें, आके अपना घर आंगन तो साफ सफाई कर ही लेते हैं, माने होशियार हो जाएंगे, डरे नहीं अकेले घर में, जैसे 7-8 बज जाता है, तो उस हिसाब से फिर आप सीखिएगा। जब तक फिलहाल मेरे को ही करने दीजिए, ठीक है। हाँ बाप रे, कभी मैं खलासी रहूँगा, ये ड्राइवर रहेंगे, साइकिल चलाना तो आता नहीं है दोस्तों इनको, सीधे ई रिक्शा चलाएंगे, सबसे पहले ड्राइवर को डर खत्म होता है, आपको पता है, डर जब तक रहेगा तब तक। चलिए ठीक है, आप साबिया फील्ड में चल के सीखिएगा चलाना, रोड पे आपको थोड़ी ना देंगे, इतना भी वो नहीं है, आप घर ही संभालिए। जो यूट्यूब बनाती है 2-3 महीने में जो भी आएगा वो आप अपने पास रखिएगा, मैं रोजी कमा के आप ले आके यूट्यूब फैमिली के साथ सामने जो ई रिक्शा का वो जो नहीं होता है तिजोरी, उसी तरीके का आप, जैसे उधर से हॉर्न मारूंगा आप कैमरा लेकर खड़ा रहिएगा, तिजोरी का चाबी मैं दे दूंगा कि ये लीजिए, पूरा जेब चेक करिए, कोई वो नहीं, क्योंकि मेरे पास जानती है बेफज रख दे, तो उतना शक करेंगे तो वो तो अलग ही बात हो गया, लेकिन मेरा जो दिल है मैं लेके पैसा करूंगा। मेरा 3 बच्चे को आप बस संभालिए अच्छे से, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं तो अब रोड पर निकल रहा हूँ, अपना जो भी 2 पैसा कमाऊँगा सुबह ही निकल जाऊँगा 6 बजे, ठीक है। और रही बात खाना की, तो आप ले आके बाज़ार में भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसी मार्केट में चलाना है, यहाँ से 4 किलोमीटर अप डाउन करना है बस, उससे ज़्यादा अभी दूरी नहीं तय करेंगे ना जी। तो चलिए अभी इसके लिए कोई सामान ले आने जा रहे हैं मार्केट, आ सीमेंट को रख दिए हैं वहाँ पे, कि थोड़ा सा ना इधर हवा सीजन से भी रोड़िया जाता है, तो अभी उस सीमेंट को जो बचा है उससे भी कोई ना कोई काम है हमें, नागांती जी को पता है, पता चलेगा आपको बहुत जल्द। तो चलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं इसके लिए कब्जा लेके आता हूँ, कुछ तरीके का गेट आज ही बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, मौसम देख रहे हैं सुबह कितना अच्छा था, एक बार बारिश हो गई नहीं, उसमें ठोक ठाक करने की ज़रूरत नहीं, वो हो जाएगा ऐसे, वो अलग तरीका। वो जो दरवाज़ा बनेगा ना उस पर तो कल चढ़ेगा, जो उसके लिए दरवाज़ा बनेगा उसमें कब्जा पहले ही ठोकना पड़ेगा, उस पर खड़ा होकर फिर लग जाएगा, उस तरीके का दरवाज़ा बनेगा, वो आपको दिखेगा जब बन जाएगा वीडियो में, तो हमारे यूट्यूब फैमिली कहेगी हाँ सरप्राइज़, दोनों काम होने वाला है इस।
ई रिक्शा स्टैंड से। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। भोला बना रहे हैं आ जो मसाला बचा इस पर टिपकारी कर देंगे। अब 5 बजे के बाद तुरंत शाम हो जा रहा है दोस्तों। आकाश लोटा से पानी ला रहे हैं। छोटा वाला डिब्बू से लिया बेटा, और भी चाहिए, इस पर टड़ाई भी मारना पड़ेगा। तो चलिए अभी बाकी इसमें गेट का भी काम करेंगे अभी, और टांगेंगे इस पर गेट कॉल। क्या क्या सामान लेकर आया हूँ चलिए आपको दिखाता हूँ। तो इधर देख सकते हैं ये कब्जा लेकर आया हूँ, और दरवाज़ा कुछ अलग तरीक़े का लगाने वाले हैं हम लोग दोस्तों। अब बाकी जब पैसा धीरे धीरे होगा ना तो फिर इसमें कुछ और तरीके से लोहा का बना के लगवा देंगे। फिलहाल के लिए जो दरवाज़ा लगा रहे हैं ना उससे भी कोई रिस्क नहीं है ना कोई खतरा है। उसको कोई टच भी करेगा तो हमें आवाज़ पता चल जाएगा। उस तरीके का दरवाज़ा लगने वाला है इसमें। तो चलिए पहले जो मसाला बचा है उसको टिपकारी कर लेते हैं, और उसके बाद गेट का काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि ना दिन में मौसम का कोई गारंटी नहीं है, कब बारिश आ जा रहा है। तो हमें अभी 8-9 बजे तक करेंगे। आ एक बार तो रात रात भर काम किए हैं। इधर लगा दीजिए, वीडियो एडिट कर रही हैं। चलिए अभी घोला बन के उसको घोर देता हूँ, पानी डाल दिया आकाश दोस्तों। अभी इस पर घोला चढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद जितना भी होगा पहले ये वाला दीवार क्लियर करेंगे, और उसके बाद ना इसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। मस्त लगेगा दोस्तों इतने से ना, एक अलग लुक होगा। उसके बाद कलर करेंगे, घोला भी मारने का एक अलग है। ठीक गया था ना ऐसे करके ऐसे गिलास तो एक बार नीचे नहीं गिरता, और देह पे भी छीटा नहीं पड़ता। अब ये अलविदा ना और मजबूत हो जाएगा टिपकारी करने, प्लस्तर नहीं करो टिपकारी करो तो फिर भी घोला मारना जरूरी है, नहीं तो चिपकेगा नहीं सही से। क्योंकि इस पर ना चूना फेंक दिए लगा दिए। अभी ना ये मसाला गील करके छापना पड़ेगा, पहले कच्चा कर देता हूँ उसके बाद टिपकारी करेंगे। यानी उधर से इसका जोड़ाई किए थे तो उधर इसका लाइन लेवल सही है, और इधर उबर खबर है ना तो थोड़ा ज़्यादा मसाला लगेगा। यानी जितना है उतने में ही कर देना है हमें, ज़्यादा एक्स्ट्रा और दोबारा मसाला नहीं बनेंगे। जो बचा है इसके लिए इतना में हो जाना चाहिए रिपेयर। चलिए करनी किधर है बेटा, करनी ले आओ। देख सकते हैं अभी कर दिया जैसे भी रिपेयर कर, लाइट कट गया। अच्छा आगे है इन्वर्टर, यहाँ तक जो भी उबर खबर था ना, बहुत उबर खबर था दोस्तों। इधर से ये बैक साइड था, ज़्यादा मसाला लगता तब पूरा प्लस्तर होता, इस फंटी से किया। लेकिन उतने से ही देख सकते हैं थोड़ा अलग दिख रहा है, और ये देखिए कैसे दिख रहा है। तो मसाला हो गया ख़त्म। अगर इसको अगर नागंती जी कहती हैं तो कल थोड़ा सा बना के इसको भी रिपेयर कर देंगे, और फिर इसमें व्हाइट सीमेंट से कलर कर देंगे। बाकी देख सकते हैं ढलान सी बना दिए हैं। ऑटो रिक्शा खरीदा जाएगा, गेट तो पहले लगाएंगे ही, और सब होने के बाद इसके ऊपर स्टील का जो टीन बाउंड्री किए हैं वो वाला रखेंगे कि ऐसा किन के लिए आएंगे। क्योंकि एक भी किन के लाएंगे तो ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा। उस तरीके से देखेंगे जो भी सस्ता पड़े, और नहीं तो कहीं मिलता है तो पुराना वाला ले आकर रख देंगे। 2 लगेगा इसमें। तो इस तरीके से आज की काम दोस्तों कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। देख सकते हैं अभी क्या हाल हुआ है। चलिए अभी चलते हैं नहाते हैं, उसके बाद खाना बना रहे हैं नगानती जी, उसके बाद खाना खाएंगे। तो आज की मेहनत कैसा लगा दोस्तों बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक 16 32, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में बताइएगा। ऐसी आशीर्वाद अपना बनाए रही है। दिल से धन्यवाद, भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपना और यूट्यूब फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे अपने अपने जीवन में। चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं।